आबदीन की जीनत है। सजदों से जिसने दहर को आबाद कर दिया, सजदों से जिसने दहर को आबाद कर दिया, खालिक ने उसको सैयद सजाद कर दिया। एक बेकसो मजलूम का एजाज देखिए, बेड़ी पहन के दीन को आजाद कर दिया। कलाम के चंद अशआर यार। अब न खंजे न किसी वार से डर लगता है। शरण नकवी साहब का कलाम है। अब न खंजर न किसी वार से डर लगता है। अब न खंजे न, और मोहसिन नकवी साहब की सरजमीन ना होती तो शायद इस कलाम का इंतखाब ना करता। बड़ी मेहनत है मोहसिन नकवी साहब की। यहाँ आप काफिया रदीफ को समझते हैं आप सब लोग, तो सुनिएगा। डर इसका काफिया है, अब न खंजर न किसी वार इसका काफिया है, और डर लगता है इसकी रदीफ है। अब न खंजे न किसी वार से डर लगता है, अब न खंजे न किसी वार से डर लगता है, एक शबीर के हुबदार से डर लगे। अभी बेदार नहीं हुए आप, सुनिए शेर फिर बेदार होंगे। इसलिए कैद में मुख्तार को रखता है जिया, इसलिए कैद में मुख्तार को रखता है ज़ियाद, सारी दुनिया को आज़ादार से। हुसैनिया 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 सैयद सज्जाद का जलाल ही उनकी हथकड़ियों में था। अभी तो सैयद सज्जाद ने तलवार उठाई ही नहीं थी। उसकी तलवार जो उठती तो कयामत होती, जिसकी जंजीर की छनका से डर लगे है, जिसकी जंजीर झनकार से डर लगता है। ये जो दो माइक हैं, जैसे इको इसमें चलाया हुआ है ऐसे ही इन दोनों माइक्स में भी आपने चलाना है। बार बार कलाम ना रोकना पड़े, क्योंकि ये सोजी उतना ही पढ़ रहे हैं मेरे साथ जितना मैं पढ़ रहा हूँ। क्योंकि अक्सर माइक वाले करते हैं कि ये माइक मेन है तो इस पे इको है बाकी सब फ्लैट, तो इसमें को फ्लैट ना करें, ये दो माइक को भी इको डालें इसमें जरा जैसे इसमें है। अब न खंजे न किसी वार से डर लगता है, अब न खंजर न किसी वार से डर लगता है, एक शब्बीर के हुबदार से डर लगता है, इसलिए कैद में रखता है, इसलिए कैद में मुख्तार को रखता है ज़ियाद, सारी दुनिया को आज़ादार से डर लगता है। अब शेर सुनिए। जब यजीद मलाउन तख्त पर बैठा था, लोग कहते थे कि ये बड़ा जालिम और जाविर है, इससे डरना चाहिए। तो बीबी ज़ैनब जलाल में आके लहजा अली में खिताब करती हैं, बोली ज़ैनब, बोली ज़ैनब,
क्योंकि मकार को मकार से डरता है, क्योंकि मकार को मकार से डर लगता है। अब बीबी ज़ैनब कहती है कि तुम इसको कहते हो कि इससे डरना चाहिए, ये यजीद कहाँ था जब हम करबला में थे? लोगों ने कहा शाम में। बीबी ने कहा आया क्यों नहीं करबला? वो खामोश सकता तारी हो गया। तो बीबी जलाल में आकर कहती हैं, मैं तुम्हें बताती हूं, इसलिए करबला शाम से आया ना यजीद, उसको अब्बास अलमदार से डर लगता है, उसको अब्बास अलमदार से डर लगता है। अब काफी आपने पहचानना है, शहीद मोहसिन नकवी साहब की सरजमीन पे आप रहते हैं। खुदा मोहसिन नकवी साहब के दर्जात बुलंद फरमाए। मेरी तरफ देखना, काफी आपने तलाश करना है। अब न खंजर न किसी वार से डर लगता है, झनकार से डर लगता है, दीवार से डर लगता है, ललकार से डर लगता है, अलमदार से डर लगता है। कासिमों के बरो आबास, कासिमों के बरो आबास, हुसैन बिन अली देखो 9 लाख को इन चार से डर लगता है, देखो 9 लाख को इन चार से डर लगता है। हम शरर नकवी हैं दी अबू तालिब के, उनको ईमान के तरफदार से सुभान अल्लाह डर लगता है। चूंकि आज 25 मुहर्रम है, मौला सैयद सज्जाद